क्या देख रहा है? कौन किचन? बेटा इधर क्या हुआ था कि हमने देखो चौक से लगा दिया, तुम लोग पास ही चीज देखा तो चौक से मार दिया डंडा। नहीं लेता ठीक है। इधर देखिए, इधर इधर भैया हमने बताया था कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल का। हां समझ रहे ना? अभी मैं सीधे बता देता हूँ कि इरेक्शन इसमें सबसे बड़ी बीमारी होती है मेल। अगर इरेक्शन हो गया ना तो जो तुम सवाल पूछ रही थी ना उस सवाल का भी डबल फोर्सेस में। कहने का मतलब ये जब इरेक्शन हो जाता है ना तो पेनिस कोई काम नहीं करता, फिर यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के अवकाश इसमें खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा? बेटी के लिए बात जाएगी तो संतुष्टि नहीं पाएगी। दीपिका के साथ तुम नामर्दी हो रखा है, जाओ मुझे नहीं रहना, जब कमाओ धमाओ बेटा, कमाओ धमाओ चले गए, आपको कुछ और चल रहा है। तो इरेक्शन की वजह से काफी जिंदगी दबाव हो जाती है, ठीक है? तो इरेक्शन हो तो सही है। और इरेक्शन कहाँ से फैलता है? पेनिस की जगह ग्लास पेनिस से फैल जाता है। ग्लास पेनिस से नहीं पता, रिकॉर्ड से नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं पता होगा? नहीं पता, नहीं पता, चलो तुम देखो, जबरदस्ती पता होगा। अरे भैया देखिए भैया, हमने पाल वाले भाई को नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ा देते। ये दिस इज द पेनिस, ठीक है? पहले पेज नंबर दिखा, जानते हो कौन सा स्ट्रक्चर दिया है? और देखिए आंतरिक स्ट्रक्चर, चलो ये दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये प्यारे प्यारे अंडे रखते हैं, ठीक है? अरे पगले, वही तो समझा रहे घंटे से कि ये फ्रंट साइड का है, एक साइड का है चित्र, ठीक है? हमने यहाँ पे दो साइड बना दिया, तीन एंड हो तो चलो तीन भी निकाल देते, सही कह रहा हूँ? बड़े इधर देखिए, ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाले पार्ट की। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक लेयर निकली रहती है, लेयर लेयर। कभी गौर से देखे होगी जिंदगी में छोटे बच्चों को पकड़ना, ठीक है? बायोलॉजी पढ़ रहे हो? देखो आइए देखिए, बड़े रोज देखिए, तो ये ऊपर की है, कौन है? ऊपर की है, ऊपर की लेयर होती है ना, हमें क्या पता? ये हाँ आप कह रहे तो होती होगी। अरे इतने सारी मत बनाओ, बच्चे खिलाए होगे तुमने। बड़े दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिस, ठीक है? तो इस पेनिस वाले पार्ट को अगर देखते हैं तो बड़े ये आउटर लेयर पाई जाती है। कौन लेयर है? आउटर लेयर। ये आउटर लेयर पूरे मतलब की प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को कनेक्ट करके रखती है, ढक के रखती है, ठीक है? प्रोटेक्शन देती है एक देखा जाए, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है कि होल होता है, ठीक है? या फिर यहाँ से जगह होती है पास होने के लिए कुछ चीजें। अब ये इस जगह का कनेक्शन इससे है, इससे है, ठीक है? यहाँ पे कौन है? स्पर्म। कौन है यहाँ पे? स्पर्म। तो जब भी मास्टरबेशन करते हैं लोग तो स्पर्म निकल के बाहर आ जाता है। मास्टरबेशन के करने के दौरान ही स्पर्म बाहर निकलता है, और तुम्हें स्पर्म चाहिए थे ना तो हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे ये कि यहाँ से निकलता है स्पर्म, अब तुम कहते कहाँ से निकलता है, कैसे होता है? चलो जान गए, बढ़िया देखिए। तो कहने का मतलब ये वही स्पर्म यहाँ से निकलेगा, ओके? लेकिन ये मत सोचना कि कुछ लोग होते हैं भैया हार्मोन नहीं निकलेगा, जो हार्मोन वो नहीं निकलेगा, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वो इनका देखिए यहाँ से कनेक्शन डायरेक्ट नाली से, ठीक है? इसका कनेक्शन डायरेक्ट पाइप से, तो यहाँ की चीजें आप निकल सकते, लेकिन यहाँ की चीजें थोड़ा निकल जाएगी आपको, नहीं निकलेगी ना? यहाँ की टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, और जैसे वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तैसे फीलिंग उड़ाएगी, और जैसे फीलिंग उड़ाएगी तैसे दुर्घटना हो जाती है, कांड हो जाते हैं, केस हो जाते हैं, ओके? ये सब कहानियां हैं। मेल में यही प्रॉब्लम करता है, उसके बेग मेल की बॉडी में बेग उठने का, और थोड़ा सा मतलब कि ये जो भी मतलब कि सेक्सुअल हार्मोन इंक्रीज होने का रीजन से बेग उठता है, और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। लेकिन सबसे बड़ा उसका भी बाप है जी पॉइंट, जी पॉइंट
ओके ये होता है सर, हमने नहीं देखा आपसे कोई जीतौंटी पॉइंट, लेकिन फिर हम बता रहे हैं। अब तुम कहो सर जी हमने भी नहीं देखा, लेकिन बता रहे पढ़ा है बता रहे, लेकिन भैया हमने मेल को पूरा देखा जी मेल और सफाई, मैंने हाजिरी बताया हाजिरी बताया था बेटा, हाइजीनिक में मैंने बताया था बेटा साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ साले इतने लखोर होते हैं जी जी हम नहीं साफ करेंगे बचा के चलेंगे। अरे किस दिन बीमार हो गए ना वहाँ से तो सला दिखा भी नहीं पाओगे, बच्चे बच ही नहीं पाओगे, इसलिए प्लीज भैया खुद रूम में घुस जाओ ढंग की साफ सफाई यानी साफ सफाई जल्दी करो, इसलिए गवर्नमेंट भी कहता है प्लीज अच्छे से इसको बढ़ो, साफ सफाई व्यवस्थित करो और वो काम करो जो आपके लाइफ के लिए उचित है। अरे देख लेते बेटा, बेटा इधर देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है ट्रेनिंग, यहाँ तक का पार्ट यहाँ तक का, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना पार्ट ऊपर वाला अपनी पार्ट कहलाता है ग्रास पेनिस। ग्रास पेनिस जब ये जंतु का बन जाता है, जब ये ऊपर के लेयर है आउटर लेयर, जब हम खिसकाते हैं पीछे को तो आउटर लेयर यहाँ तक खिसक जाएगी, यहाँ तक हमेशा याद रखना कि आउटर लेयर पेनिस की यहाँ तक खिसकती है। तुम सोचो कि पूरी छील के पी दे तो ऐसा कुछ नहीं कोई नहीं सकता मेरे बच्चे बेटा इधर, क्योंकि यहाँ से आउटर लेयर सीधे सेल से कनेक्ट रहती है और यहाँ के आगे अगर कोई अगर आउटर लेयर की बात करते हैं तो कनेक्ट नहीं रहती, वो कवर रहती है, ये कनेक्ट है वो कवर है, बात नहीं बेटा। इधर जब हम इधर से पीछे को करेंगे, इधर देखो अगर हम इधर से पीछे को स्किन करते हैं, स्किन करते हैं तो स्किन हमने पीछे को किया तो यहीं तक आएगी स्किन, और हमको जो जो भी पार्ट दिखाई देगा विदाउट स्किन वो ग्लास पेनिस कहलाता है, और इसके अलावा यहाँ से स्किन सीधे पेनिस से कनेक्ट रहती डायरेक्ट, तो इसके पीछे जाएगा नहीं, और जो व्यवस्थित ले जाएगा तो मर जाएगा मर जाएगा ऑपरेशन करना। और मेरे हिसाब से जो केस बताया था ना 36 घंटे वाला, उसका बेचारा ये लफड़ा हो गया होगा, लफड़ा हो गया जो बहुत ही नाजुक होते हैं, क्या दिक्कत हो जाती है, बहुत नाजुक होते भाई, अगर थोड़ी सी बिगड़ी हिस्से को मार दो चौकी मार दो कुछ लोग जल्दी से गाड़ी बढ़ जाते हैं। बस 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 तुमने सही देखा।